नमस्कार मित्रों, मैं आज अपनी एक लघु कथा सुना रहा हूं। लघु कथा का शीर्षक है इंतजार। रात्रि के 12 बज रहे होंगे। सड़कें नियोन लाइट की रोशनी में नहाई हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था। कहीं कहीं इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे। ट्रैफिक पुलिस नदारद। सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध दंपति को देखा। उनकी उम्र 60 से ऊपर रही होगी। वृद्ध के एक हाथ में चमड़े का बैग और दूसरे हाथ में कागज का एक टुकड़ा था। उनके सामने बाइक रोककर मैंने पूछा, क्या बात है बाबा, कोई मदद चाहिए क्या? उन्होंने तेलुगु में कुछ कहते हुए कागज का एक टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाया। मेरी बाइक की पिछली सीट पर बैठा हुआ युवक तेलुगु जानता था। मेरे मित्र ने कहा, इसका बेटा इसी शहर में रहता है। इस कागज पर उसका नाम और फोन नंबर लिखा हुआ है। ये लोग फोन पर उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मैंने अपने फोन से उस नंबर पर संपर्क साधने की कोशिश की। उधर से किसी ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, भाई तुम्हारे माता पिता तुमसे मिलने के लिए आए हैं, उनके पास तुम्हारा कोई पता नहीं है। उनके पास केवल एक कागज का टुकड़ा है जिस पर एक फोन नंबर लिखा हुआ है। तो उसने झल्लाते हुए कहा। मैंने कहा, भाई एक बार आकर इन लोगों से मिल लो। उसने झल्लाते हुए कहा, आप उनसे कह दें वे लोग जहां से आए हैं वहीं लौट जाएं। मेरे पास अभी वक्त नहीं है। अपनी बात बोलकर उसने फोन काट दिया। इसके बाद हम लोग फोन लगाते रहे। उसने अपना फोन ऑफ कर दिया था। हमने वृद्ध दंपति को समझाया, बाबा आप लोग टेम्पो लेकर स्टेशन चले जाइए। रात में सूनी सड़क के किनारे रुकना उचित नहीं है। स्टेशन से कोई ट्रेन पकड़कर आप लोग अपने गांव लौट जाइए। आपके बेटे के पास आपसे मिलने का वक्त नहीं है। हमारी बातें सुनकर वृद्ध ने उस कागज के टुकड़े को अपनी जेब में रखते हुए कहा, बाबू वह जरूरी काम में फंसा हुआ होगा। काम के दबाव में वह बहुत परेशान रहता है। अपने काम निपटाकर वह जरूर आएगा। तब तक हम लोग यहीं उसका इंतजार करते हैं। वे सड़क के किनारे एक शेड के नीचे जाकर बैठ गए। नियोन लाइट की रोशनी में मैंने देखा उनकी आंखों में अब भी एक चमक बाकी थी। धन्यवाद।